सामेईन हजरात, आज बहुत अहम बात मुझे मौसूल हुई। जब जैसे ही मुझे पता चला तो अजीब सा मुझे एक झटका लगा, अजीब सा मैं फील करने लगा, महसूस करने लगा, और मुझे बुजुर्गों की वो मिसाल याद आई। कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चुड़िया चुग गई खेत। इस तरीके की कुछ मिसाल मैं अपने बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ बुजुर्गों की। मैंने सुना है कि एक टिकटॉक नाम का एक वो ऐप था जिस पर जो है आप छोटी छोटी वीडियोस 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड तक की देखते थे। तो मेरे जैसे कि मुझे खबर मौसूल हुई कि वो चाइना से बना था और चाइना का वो था ऐप। उस पर हमारे गवर्नमेंट ने जो है इस वक्त पाबंदी लगा दी है, और पाबंदी लगाने के बाद में उसको रोक दिया गया है। अफसोस, सद अफसोस, जब हमारी जनरेशन तबाह बर्बादी के दहाने पर खड़ी है, जब हमारा नौजवान तबाह होने के बिल्कुल करीब है, उस वक्त ये याद आया कि टिकटॉक को बंद किया जाए। ये बहुत पहले बंद किया जाना चाहिए था। कितने बेटे ऐसे हैं कि उनका कैरियर इस टिकटॉक पर नाचते नाचते तबाह बर्बाद हो गया। कितनी बेटियां ऐसी हैं कि उनका कैरियर टिकटॉक पर नाचते नाचते तबाह बर्बाद हो गया। काश ये उस वक्त सोचा होता कि जब हमारे तालीम हासिल करने वाले बच्चे और बच्चियां तालीम में मेहनत ना करके जब टिकटॉक पर तवज्जो कर रहे थे और टिकटॉक पर अपने डांस का जो है मुजाहरा कर रहे थे, काश उस वक्त इनकी लाइफ को देखते हुए, इनकी जिंदगी को देखते हुए उस पर पाबंदी अगर लगा दी होती तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुआशरा आज उस दहाने पर नहीं खड़ा होता तबाही के, जिस दहाने पर मैं आज अपने मुआशरे को देख रहा हूँ। मैंने कितने लोगों को देखा, कई भाइयों से मैंने पूछा कि तेरे पैर में फ्रैक्चर कैसा हो गया। मुझे बताया, मैं टिकटॉक पर ये एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था, मेरा पैर फिसला के मेरा पैर टूट गया। अभी चंद दिन कबल की बात है, एक लड़का नौजवान देखने में बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, लेकिन चलने में वो लंग कर रहा था, यानी सीधे तरीके से नहीं चल पा रहा था। मैंने पूछने लगा, आखिरकार तुझे क्या प्रॉब्लम है, वजह क्या है, तू ऐसे क्यों चल रहा है। उसे कहने लगा कि आखिरकार मैं अच्छा था, मेरी पैदाइश ठीक थी, लेकिन मैं टिकटॉक पर नाचने की कोशिश कर रहा था और बाइक से मैं शूटिंग कर रहा था तो मेरा पैर फिसला गाड़ी से और मैं नीचे गिरा, जिससे मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और मेरा टूट गया। अभी चंद दिन कबल मैंने देखा ट्रैक्टर और जो उसके पीछे जमीन जोतने वाली हैरो होती है ना, उस पर वो टिकटॉक बनाने की कोशिश कर रहा था। चलते ट्रैक्टर पर पीछे से हैरो चल रही थी, जमीन जोत रही थी, और उस पर वो चलने की कोशिश कर रहा था, चढ़ने के ऊपर चढ़ नहीं पाया, पैर फिसला। जैसे ही पैर फिसला नीचे आया और उसको टुकड़े टुकड़ों में हैरो ने काट के रख दिया। क्या है आखिरकार, ये दिखता नहीं है कि हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है, हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है। आज अगर चाइना से हमारी जंग चल रही है तो हम उसको बंद कर रहे हैं, हमें पहले बंद करना चाहिए, पहले हमें देखना चाहिए था कि कौन सी चीज ऐसी है जिस पर हमारी तालीम का नुकसान हो रहा है, कहाँ पर हमारे बच्चे जो है अपनी तालीम की तरफ जो है पीठ करने के बाद में और किस चीज में तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं। इस चीज पर मैं गुजारिश करूंगा, ये हमारी हुकूमत और हमारी शासन प्रशासन सबकी जिम्मेदारी है कि जिससे हमारी जनरेशन तबाही के दहाने पर जाकर खड़ी हो जाए, उस चीज पर पहले से ही पाबंदी आयद होना चाहिए, पाबंदी लगना चाहिए।